नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम सब काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और होगा नदियों से संबंधित। और इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। बेल आइकन में प्रेस करने से आपको सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी और आप देख पाओगे। और जब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर रोजाना आपको हर कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिहाज से जो महत्वपूर्ण वीडियो होती हैं वो दी जाती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं बारी बारी से कौन से तथ्य हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, तो वह कहा जाता है राइन नदी को। आप याद रखेंगे कि यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा राइन नदी को कहा जाता है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो जो गंगा नदी है जो हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है वो जो बांग्लादेश में जब जाती है तो वह पद्मा के नाम से जानी जाती है। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो वह है ओल्गा नदी। ओल्गा नदी जो है रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जिस तरह से हमारे देश भारत में गंगा नदी है उस तरह से ओल्गा रूस का है। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, तो यह बहती है ऑस्ट्रेलिया में। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो कहा जाता है हवांगहो नदी को। आप याद रखेंगे जिस तरह से हमारे देश में जो बिहार राज्य है वहां कोसी जो है कोसी को कहा जाता है शोक नदी, उस तरह से चीन का जो शोक नदी कहा जाता है वो कहा जाता है हवांगहो नदी को। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो आप इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वो है अमेजन। और यही अगर पूछी जाती कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो हो जाता है नील। ठीक है, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, इसे नोट डाउन कर ले। नाइजर नदी जो है उसे तेल नदी कहा जाता है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो है अमेजन नदी। याद रखेंगे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, और जल के आयतन के आधार पर अगर पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह भी होगा अमेजन नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो है ओल्गा नदी। और आप सभी ने देखा कि ओल्गा नदी जो है वो रूस की नदी है। ओल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो एक गिरती है कैप्सियन सागर में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप याद रखेंगे यहां पे जो इराक है यहां पे होगा आपका नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो है अमेजन नदी। पराना तथा परागवे नदी को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है, तो पराना और परागवे नदियों का जो संगम होता है तो उसके बाद जो नाम होता है लापलाटा नदी। ठीक है, पराना और परागवे नदी के संगम को हम कहते हैं लापलाटा नदी। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, तो है आपका डेन्यूब नदी। कौन सी नदी व्रंश घाटी से होकर बहती है, तो है वोल्गा नदी। ठीक है, वोल्गा नदी जो है व्रंश घाटी से होकर बहती है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो यह मिस्र की सभ्यता को। यूरोप की कौन सी नदी कोयल नदी के नाम से जानी जाती है, तो आप याद रखेंगे राइन नदी को कोयल नदी के नाम से भी जाना जाता है यूरोप में। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, तो ये काटती है कांगो नदी। किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है, तो है आपका नील नदी। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है हवांगो नदी को, जो कि चीन का शोक भी है। कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, तो वह नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को दो बार काटती है, आप इसे याद रखेंगे। और जो भूमध्य रेखा के निकट से जो होकर गुजरती है उद्गम स्थल उसका, वह है नील नदी। और भूमध्य रेखा को दो बार काटती है कांगो नदी। आप याद रखेंगे मकर रेखा को काटने वाली नदी है लिम्पोपो और भूमध्य रेखा को काटने वाली है कांगो नदी। उसके बाद है लाल नदी किस देश से होकर बहती है, तो यह बहती है वियतनाम से। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे नदी से रिलेटेड आपको इस वीडियो में दिया गया। आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।